स्वतंत्रता पर संस्कृत के कुछ श्लोक की व्याख्या करना मैं मुनासिब समझूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत से ही संस्कृति आती है। आज के ज़माने में इसी का बहुत अभाव हो गया है और इसके बिना कुछ भी जीवन में आनंद नहीं है। अगर जीवन में आनंद लेना है तो संस्कृत को सीखना है और संस्कृति को अपनानी है और यही का अभाव होता है। आइए, संस्कृत के 3 श्लोक अति महत्वपूर्ण है, हर बच्चों को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर उम्र के लोगों को चाहिए कि उसको आत्मसात करें। पहले श्लोक सुनिए, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या में बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक है, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। कितना बढ़िया श्लोक है। मातृवत माता के समान, मातृवत परदारेशु पर माने दूसरा, अद्रव्य परदारेशु दारा माने पत्नी, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत, माता के समान दूसरे की पत्नी को समझना चाहिए। आज यही तो समाज में गड़बड़ हो गया है, दूसरे की माँ बहन को हम लोग अपनी माँ बहन नहीं समझते। सारा जो सामाजिक ताना बाना जो बिगड़ रहा है उसमें मूल चीज़ यही है, जो अपनी माँ के साथ आपका व्यवहार है दूसरे की माँ बहन के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इससे बढ़िया आचरण की शुद्धता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मातृवत परदारेशु आप परद्रव्येशु लोष्टवत, पर माने दूसरा, द्रव्य माने धन, और दूसरे के धन को ढेला के समान समझना चाहिए, मिट्टी के समान समझना चाहिए। आज इसमें भी गड़बड़ हो रहा है, अक्सर लोग दूसरे के धन को, दूसरे को हक को अपना समझ लेते हैं, उसे धनार्जन तो कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ साधन गड़बड़ होता है और साधन जब गड़बड़ होता है उससे जो अर्थ की प्राप्ति होती है उससे आनंद नहीं होता, उससे कष्ट ही कष्ट होता है। संस्कृत में कितना बढ़िया श्लोक बनाया गया है, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेला के समान समझिए, अपनी मेहनत से कुछ कमाइए और उससे जो आनंद मिलेगा वह बड़ा ही सुखदायी होता है। अगला लाइन है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सारे जीवों को समझना चाहिए। जैसे आपको कोई अगर कड़े शब्दों में बोलता है तो आपको बुरा लगता है, तो आप भी किसी को अगर उस तरह से बोलेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। संस्कृत में कितना बढ़िया श्लोक है, आत्मवत सर्वभूतेषु, जितने जीव जंतु है सबको अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज कष्टकर लगता है तो दूसरे को भी कष्टकर लगेगा। यह पश्यति स पंडितः, ऐसा जो देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। संसार में आए हैं तो इस श्लोक को जरूर आत्मसात कीजिए। अगर आप मनुष्य हैं, मनुष्य कहलाने लायक है, तो इस श्लोक को अगर आप आत्मसात करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आइए, दूसरा श्लोक है, अनेक श्लोक है लेकिन आज मात्र 3 श्लोक पर ही चर्चा करना मैं मुनासिब समझूंगा। दूसरा श्लोक है, अयग निज परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती ही कुटुंब है, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। अयन निजह, निज माने अपना, परो बेटी पर माने दूसरा, ऐसी गणना तो नीच चरित्र वाले लोग कहते हैं। उदार चरिता नाम तू, उदार चरित्र वाले लोग तो इस धरती को ही कुटुंब मानते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई कुटुंब पहुंच जाते हैं तो उसका कितना मान सम्मान आप करते हैं। पूरी वसुधा को, जितने रहने वाले लोग हैं, चाहे वह प्लांट लाइफ पे हो चाहे एनिमल लाइफ पे हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप संसार में आए हो और मनुष्य को तो ऐसे ईश्वर का मूर्तिमान रूप कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि मनुष्य ईश्वर का मूर्तिमान रूप है, लेकिन आपका कर्तव्य ऐसा है तभी आप ईश्वर के समान बन जाएंगे। तो आपको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह मेरा है और यह तुम्हारा है। ऐसी गणना करते हैं तो आप निश्चरित्र वाले लोग हैं। पूरी धरती को ही अगर आप कुटुंब मानते हैं तो आप उदार चरित्र वाले लोग कहे जाएंगे, और संसार में आए हैं तो उदार चरित्र वाले लोग ही मरना है, बनना है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, मरिए सब ही, मर नहीं कोई, आ केवल सुजस रहे जग सोई। संसार में आए हैं तो मरना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा जिंदगी जिए कि बाद में चल के आप अमर हो जाइए, आप सब दिन के लिए जिंदा हो जाइए। इनमें एक श्लोक और है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह है, अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पुण्य क्या है और पाप क्या है, इसकी परिभाषा 18 पुराणों के अध्ययन के बाद महर्षि व्यास जी ने 2 बातें कही है। महर्षि व्यास जी ने केवल 2 बातें कही है, अच्छा क्या है, परो माने पुण्य क्या है और पाप क्या है। परोपकाराय, पर माने दूसरा और उपकार माने भलाई, दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है। अब पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। पुण्य और पाप की इतना बढ़िया परिभाषा दी गई है, दूसरों की भलाई करना है, किसी भी रूप में आप दूसरों की भलाई कीजिए यही पुण्य का काम है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो यही पाप है। कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की
भलाई ही करें, किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश नहीं करें। यही श्लोक आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है और यह बहुत जीवनोपयोगी है। संस्कृत से ही संस्कृति आती है, मैं बार बार कहता हूँ, केवल सुनने से नहीं होगा। इस बात को जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो लोग भी आत्मसात कर रहे हैं, उसको जीवन में आत्मसात कर लिए,